फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और रानी यहाँ पे हमारी देखिए जी चुपचाप बैठी हुई है, इसीलिए दोस्तों आगे आने वाले व्लॉग्स हमारे जरूर देखना। हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। आप लोगों के साथ मैंने एक जो बात शेयर करनी थी, एक सरप्राइज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं दोस्तों पेटी की तरफ। तो दोस्तों आप लोगों को कल मैंने जैसा कि बताया था कि हमारी रानी जो है अपना फर इकट्ठा कर रही है और अपनी बॉडी से सारा उसने जो है फर निकाल दिया है, बालों को निकाल निकाल के इकट्ठा किया। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि सरप्राइज, तो रानी यहाँ पर हमारी बैठी हुई है दोस्तों, और वो सरप्राइज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों एक बार। तो हाँ जी फ्रेंड्स, पेटी को मैं ऊपर की तरफ से खोल रहा हूँ क्योंकि सामने जो है दरवाजा बहुत ही छोटा है। तो कल मैं भी नहीं देख पाया था जब मैं व्लॉग बना रहा था, तो बाद में मैंने जब अपलोड किया तब मैंने देखा कि हमारी रानी ने बच्चे दे दिए हैं। तो बच्चे कहाँ हैं जी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही आराम से इसने दो दो कंबल हमने इनको दे रखे थे, और जो है नीचे वाली चादर के नीचे जो है बच्चों को रानी ने अच्छे से छुपा रखा है। और ये देखो जी, ये रहे जी सारे के सारे बेबी, छोटे छोटे रैबिट्स हमारे घर में आए हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने जी बच्चों को देखा घर में, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टाइम ही रैबिट हमने रखे हैं घर में। और ये रहे जी नन्हे मुन्ने, और मैं एक को हाथ में लेके भी आपको दिखाता हूँ। और ये देखो जी, बाल हटाना इसके। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये राजी नन्ना मुन्ना, अभी तो इनकी आंखें भी नहीं खुली हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम जो है बेबी को, इसको रैबिट्स को हाथ में लिया है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और घर में सभी लोग बड़े खुश हैं, खासकर मेरी वाइफ, क्योंकि वही इन सबका रैबिट्स का मेनली राजा रानी का ध्यान रखती है और खाने वगैरह को देते हैं। सभी देखते हैं पर वो जो ज़्यादा है रैबिट्स को हमारे ध्यान रखते हैं। तो मैं इसको वापस छोड़ देता हूँ जी। और देख सकते हैं आप छोटे छोटे कितने सारे हैं, अभी मैंने काउंट भी नहीं किए। और ये देखो जी, तो ये सारे बच्चे हैं, कुछ इधर उधर थे, रानी ने रात को इकट्ठा करके इनको एक साथ रखा। तो आप देख सकते हैं घर के सभी, और रानी चुपचाप बैठी हुई है, और सब के सब लोग देख रहे हैं जी, हमारे घर के भी। अब फर्स्ट टाइम ही हम इनको आके देख रहे हैं, और मैं काउंट करने की कोशिश करता हूँ कि कितने बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 है जी, सारे के सारे, सारे बच्चे जो हैं टोटली 9 हैं। तो जी हमारे घर में रानी ने जो है एकदम से खुशियां ला दी हैं जी, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। हम इसलिए खुश हैं जी, जिनके पास पहले होंगे वो तो जानते होंगे, पर हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और रानी यहाँ पे हमारी देखिए जी चुपचाप बैठी हुई है, और जबकि पहले ये हाथ नहीं लगाने देती थी, तो बड़े प्यार से बैठी हुई है हमारी रानी भी। तो ये है जी हमारा आज का व्लॉग दोस्तों, आप लोगों के साथ मैंने बात शेयर करनी थी। और इस पेटी को जो है हमने इसलिए रखा है, इसके अंदर डबल डबल कंबल भी रखा, और जो है इसने अपना फर निकाल के छोड़ रखा है। तो आपको ये मैंने दोस्तों बतानी थी, आज हमारी खुशखबरी ये थी घर की, बहुत बड़ी खुशी मिली है, क्योंकि लास्ट टाइम जो बच्चा हुआ था और वो मर चुका था, और रानी की जान भी खतरे में आ गई थी। पर चलो प्रभु की कृपा हुई आप सभी के सहयोग से, और दोस्तों आप लोगों ने इतना मोटिवेट करते हैं, तो दोस्तों उस चीज़ के लिए भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स लाइक्स देखकर मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लाने के लिए मेरा मन करता है। तो दो तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखना, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेके आता रहूं। सुबह का टाइम है, पेटी को हम ऊपर से जी ढक देते हैं, क्योंकि रास्ता मैंने छोटा सा रास्ता सामने से मैंने छोड़ रखा है पेटी के, यहाँ से रानी जो है आ जा सके और बच्चों को दूध पिला सके। और राजा को हमने अलग बंद कर रखा है जी, क्योंकि ये जो है सबको परेशान करता। तो आज स्पेशली जो हमारा जो व्लॉग था जी, वो हमारे राजा रानी पे था, इनके बारे में बहुत दिनों के से नहीं बताया था, पर आज बड़ा मजा आया जी, खुशियां मिली है। कॉन्ग्रेट्स सभी के लिए कि हमारी जो ये रैबिट्स फैमिली है आज काफी बड़ी हो चुकी है, और जल्दी व्लॉग्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बच्चों की जो प्रोग्रेस है। इसीलिए दोस्तों आगे आने वाले व्लॉग्स हमारे जरूर देखना कि आगे आगे क्या होता है, और देखते हैं किस तरह से रानी जो है इनकी परवरिश करती है। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इनको अच्छे से अच्छा माहौल हम दे पाए। तो मिलते हैं जी एक नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय।